हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और मैं जिम आ गई हूँ। मैंने सोचा है कि मैं अब जिम करना स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मैंने अभी तक कभी भी जिम कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है। ये मेरी दीदी का जिम है, तो मैं उनके जिम पे ही जिम करूँगी। मुझे वैसे मैं योगा और हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर पे कर लेती हूँ, लेकिन मैंने प्रॉपर जिम कभी भी नहीं किया है। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह भी अभी जाने का कुछ ऐसा सच प्लान नहीं बन रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से जैसे जैसे हालात और मतलब कंडीशंस जैसे सीरियस होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे जिम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं उसी के लिए यहाँ पे आई हूँ और देखती हूँ मैं कितने दिन मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ। वैसे मैं वॉक और एक्सरसाइज, जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती हैं घर पे, वो मैं करती हूँ, और योगा तो मैं प्रॉपर और रेगुलर कर लेती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज का मुझे नहीं पता कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जिम आना करना बहुत टफ टास्क होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अभी देखती हूँ मैं कि कर पाती हूँ या नहीं। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना, ये मैंने नीचे जींस डाली हुई है तो मैं इसको चेंज करके आती हूँ, फिर मैं अपना जिम करना स्टार्ट करती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है तो यहाँ पे सन्नाटा रहता है, कोई नहीं रहता है। इस वजह से मैंने ये टाइम चूज़ किया है कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे जिम करूँगी, ताकि क्राउड नहीं रहे और पीसफुली आराम से मैं कर सकूँ। और मुझे ट्रेन करेंगी मेरी बहन जो है, वही मुझे ट्रेनिंग देंगी। किसी और से ट्रेनिंग लेने से अच्छा है क्यों ना मैं मेरी बहन से ट्रेनिंग लूँ, वो मेरी बेस्ट पर्सनल ट्रेनर हो सकती हैं, तो मैं उनसे ही ट्रेनिंग लूँगी। तो ये यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये मुझे ट्रेनिंग देंगी। तो सबसे पहले मैं अपना वेट करूँगी, क्योंकि वेट मुझे लॉस करना नहीं है। मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट सही है। और अभी स्टार्टिंग सबसे पहले वार्म अप से करते हैं, तो मैं अभी कर रही हूँ वार्म अप। उसके बाद जैसे जैसे दीदी बताएंगी वैसे वैसे मैं एक्सरसाइज करूँगी। डे वन है तो आज तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही करूँगी मैं, पता चले फर्स्ट डे ही जाके मैं बिस्तर पड़ जाऊँ। अभी मेरा एक्सरसाइज तो हो गया है और दीदी जा रही है डेडलिफ्ट
ट्राई करने, ट्राई क्या करने मतलब कर ही लेती हैं। तो इसमें अप्रॉक्स 70 kg के आसपास वेट है, और उसके बाद ये इसका वेट वापस से बढ़ा के करेंगी 80 के आसपास। ये इस टाइम प्रेजेंट टाइम में इसमें 70 kg का वेट है, और ये इजी नहीं होता यार करना। तो अभी इन्होंने वापस से इसका वेट बढ़ा दिया है, इसमें टोटल 80 kg का वेट हो गया है, और दोनों तरफ 5-5 प्लेटें हैं जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। 1, 2, 3, 4, 5 इधर है, और 1, 2, 3, 4, 5 इधर भी है। टोटल वेट है ये, निकाल के ज़रा दिखाना कितना वेट उठाया था अपने। ये कितना हो गया, 2.2 kg, 2.5 वेट, 5 kg, ये हो गया 2.5, ये हो गया 5 kg, ये 10 kg, और 15, तो ये टोटल 35 अप्रॉक्सीमेटली, टोटल 70 kg हो गया। और रॉड का भी तो वेट होता है ना, 13 kg, 13 किलो का वेट है 13, तो टोटल कितना हो गया, 83 kg वेट उठाया था। क्या बात है, मैं इसे 10 ना उठाया जाए। तो अभी अपन एक्सरसाइज करके यहाँ पे बैठ गए हैं, और एक ही दिन में मेरी हालत ख़राब हो गई है, मुझे लग रहा है पता नहीं मैं कल आ भी पाऊँगी कि नहीं। तो अभी तो भाई मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, और लिटरली बहुत दर्द होने वाला है आगे, एक ही दिन में मेरी हालत ख़राब हो गई। लोग रोज़ कैसे जिम आते हैं पता नहीं, मुझे तो भाई एक्सरसाइज़ जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज हैं, योगा है, वही जम पाता है, जिम तो पता नहीं, देखती हूँ मैं कल आती हूँ कि नहीं आती, या मेरा फर्स्ट डे ही लास्ट डे ना बन जाए, देखेंगे कल। पर यहाँ से अभी जा रहे हैं, निकले हैं, और जाके कुछ खाए के भूख लगी बहुत जोर की। अभी हम लोग रुक गए हैं रास्ते में पानी पूरी और चाट खाने के लिए। एक पानी पूरी का टोकन दे, दो पानी पूरी का टोकन दे दीजिए, और एक चाट का दे दीजिए। हेलो, एंट्री भी करना पड़ेगा, किस लिए हो रहा है ये लीजिए टोकन, पानी पूरी का दो, और ये एक साथ का, 3 टोकन। इसी पे रख दीजिए, बस बस दो, ठीक है। करने के बाद ना बहुत देर लग गई थी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप हम जिम करेंगे
और एक चीज़ बहुत की ये हमारी चाय वाय बनी रखी, मैं जा रही हूँ चाय वाय पीने, आप लोग भी जाओ इन्जॉय करो मज़े करो और मैं आपसे मिलूंगी किसी और दिन, तब तक बाय बाय गुड नाइट।